हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने हमारे लास्ट के प्रीवियस वीडियोस में केस वन, केस टू, केस थ्री, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है, इन सब के ऊपर बात की थी। ठीक, अब हम देखेंगे कि गुडविल क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि गुड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या है? गुडविल ये एक हमारी रेपुटेशन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो भी अर्न करते हैं प्रॉफिट, वो हमारी गुडविल होती है। ठीक है, गुडविल मैंने आपको रिवीजन में भी बताया था कि गुडविल क्या होती है। ठीक है, हमारी जो कंपनी होती है वो किस लिए काम करती है? एक रेपुटेशन कमाने के लिए काम करती है। हम लोग अपने मार्केट्स में हमारी एक वैल्यू होती है हमारे नाम की। लोग कहते हैं कि हाँ, वो बाटा शोरूम, जैसे बाटा है हमारी कंपनी है, ठीक, तो कहते हैं बाटा के शूज़ बहुत अच्छे हैं। ठीक, अगर किसी ने बोला कहाँ से शूज़ लिए, बाटा से लिए, तो वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ, वहाँ के तो सारे गुड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इससे अपने आप ही में नाम, हमारी जो फर्म है, हमारा जो बिज़नेस का नाम है, वो डायरेक्टली क्या मेंटेन कर रहा है, एक रेपुटेशन बना रहा है ना, तो वही क्या होती है, हमारी गुडविल होती है। ठीक, अब हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको हमारे रिविजन पार्ट में भी बताया था कि गुडविल के ऊपर केसेस भी चलते हैं और गुडविल को हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे, उसके क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, सो गुडविल के क्या मेथड्स हैं? गुडविल के चार मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर वन में एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या रहता है, इसमें हम हमारी जो गुडविल देखते हैं कि अभी हमारे 4-5 सालों में हम क्या करते हैं, 4-5 सालों का प्रॉफिट लेते हैं, उसका गुडविल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ क्यों करते हैं? इसमें अगर हमें 4-5 सालों से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इन 5-6 सालों में हम लोगों ने हमारे लोगों की गुडविल कितनी इंक्रीज़ करी है। सो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो भी टोटल प्रॉफिट होता है, 4-5 साल के निकाल रहे हैं, तो हमारे 4-5 साल का जितना प्रॉफिट है, ठीक, जितना भी प्रॉफिट है वो, ठीक, और अपॉन में क्या जाएगा, किससे हम डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल का निकाल रहे हैं, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, जितने साल का भी आप निकाल रहे हो उससे आप डिवाइड कर दोगे। फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, यानी कि आपने इन 5-6 सालों में, प्रीवियस के 5-6 सालों में कितने साल, किस साल आपने परचेज किए गुड्स, कितने साल परचेज किए, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, कितने साल किया। सो वो नंबर ऑफ ईयर, जिस साल आपने परचेज किया वो आप लिखोगे, तो आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड का वो गुडविल निकल आएगा कि आपकी ये एवरेज है गुडविल की। ठीक, फिर सेकेंड उसमें क्या आता है, सेकेंड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। हम लोग को सुपर प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग ने सोचा कि इस साल हम 10 यूनिट्स तैयार कर रहे हैं और हम लोगों को कितना करना है, हम लोगों को कितना प्रॉफिट कमाना है इस साल, 10,000 तक कमाना है। ठीक है, हम लोग ने पहले से नॉर्मल अभी काम किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि 10,000 इस साल करना है, लेकिन हम लोग की मेहनत और अच्छी रही और हम लोग को 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का हुआ। सो जितना हमें एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग ने जब देखा कि हमारा प्रॉफिट 15,000 हुआ है, जितना हम लोग ने सोचा था, ठीक, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, हमने सोचा कितना था, 10,000 सोचा था, ये नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हमने 10,000 सोच के रखा था, नॉर्मली इतना होना चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, 15,000। ठीक, सो इनके और इनके के बीच का डिफरेंस कितना आया, 5,000। सो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा हमारे लिए है, ये क्या हो गया, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। ठीक, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हमारा थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि हमने फर्म में अपने जितना कैपिटल लगाया है, वो उसका रिटर्न तो मिले ही मिले, प्लस मान लीजिए हमने 20,000 हमने स्टार्टिंग में लगाई अपनी कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो 20,000 तो हमको मिले ही मिले। हम इस चीज़ की कोशिश तो करते हैं कि वो 20,000 हमको रिटर्न में मिले, प्लस
उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है, अगर हम इतना पैसा लगाएंगे तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है उसका, इस चीज़ को कैपिटल, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक, उसमें क्या करते हैं, हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट है, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, एवरेज प्रॉफिट से 100 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। परसेंटेज आपको ये जो दिया होगा हमारे नॉर्मल प्रॉफिट का क्या परसेंटेज रहा है, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देंगे। फिर जब इसका जो भी आंसर आएगा उससे आप क्या कर दोगे, हमारी जो नेट असेट्स होती हैं, नेट असेट्स क्या होती है, हमारी जो टोटल असेट्स रहती हैं उससे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, इतना क्लियर। फिर आप, ये तो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया कि कैपिटलाइजेशन मेथड आप कैसे करते हो, उसका क्या फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला। अब एन्युइटी मेथड, चौथा मेथड कौन सा है, एन्युइटी मेथड। एन्युइटी मेथड में हम ये देखते हैं कि हम अगर इतने सालों से प्रॉफिट कमाते चले आ रहे हैं तो हमें आगे फ्यूचर में कितना हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, ये हमारा एन्युइटी मेथड में हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। जब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हमें एक प्रेजेंट वैल्यू पता होनी चाहिए, हमारे एक रुपये की प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी। ठीक, वो आपको आपके बुक में दे रखी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में दे ही रखा होगा। सो उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एन्युइटी मेथड से जो गुडविल पता चलेगी वो क्या होगी, आपकी एन्युइटी मेथड होगी। ठीक, आई विश आपको ये चार पॉइंट्स, चार मेथड्स क्लियर हुए होंगे कि इसके क्या फॉर्मूला हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। ठीक, बाकी हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी वीडियोस हम लोग ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में अटेंड किया था, इसके बारे में देखा था। ठीक, नहीं देखा है आपने तो जाके प्लीज़ देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है। प्लस हम लोगों की गूगल मीट पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं जहाँ पर हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके पढ़ाई से रिलेटेड या आपके ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड तो आप वहाँ पे अपने सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। बाकी इन्फो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इसकी लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करिए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।